आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इतिहास के पन्नों को हम पलटेंगे और ऐसी गौरव गाथा आपके सामने लेके आएंगे कि आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हम बात करेंगे भारत के वीर पुत्रों, ऐसे जाबाजों की जिन्होंने साम्राज्यों को ढहा दिया था। हम बात करेंगे चौहानों की, उन राजपूतों की जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी की नाक में दम कर दिया था, और इस इंसिडेंट का नाम है बैटल ऑफ रणथंभौर। अलाउद्दीन खिलजी हालांकि सफल हुआ था इसमें, इस फोर्ट को सीज करने में। इसको सीज ऑफ रणथंभौर भी, रणथंभौर फोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर भैया रणथंभौर का किला है, जयपुर से 150 किलोमीटर की दूरी पे है, चारों तरफ से पहाड़ियां स्थित है, कमाल का टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट थी ये। ठीक है, ये चौहानों के लिए यहीं से ही पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता था। ठीक है, तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और बैटल सीरीज में बैटल ऑफ हाइडस पास पहले हमने देखा था, फिर कलिंग वॉर देखा था, फिर चौलक्यास वर्सेस चोलास, फिर चौलक्यास वर्सेस पल्लव्स, काफी हमने देखा था। और पिछले में मैंने मंगोल इन्वेजन की बात की थी। तो अब बारी है बैटल ऑफ रणथंभौर की। खिलजी और चौहानों के बीच ये जंग थी, कौन जीता देखेंगे हम। ठीक है, इस लेक्चर की पीडीएफ जो है मेरे फेसबुक पेज से अंडरस्कोर ई कनेक्ट, या मेरी फेसबुक प्रोफाइल सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से है, और यहां पे आप मुझसे क्वेरीज भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही साथ खजाना लेके आए हम 22,500 रुपए में कॉम्प्रिहेंसिव यूपीएससी का प्री प्लस मेंस पेन ड्राइव कोर्स, आज ही स्टडी आईक्यू वेबसाइट या फिर इन नंबर्स पे कॉल करें। साथ ही साथ सारे एग्जाम्स के लिए हम पेन ड्राइव कोर्स लेके आए हैं, जरूर इन पे नजर डालें, अवेल करें और एग्जाम निकालें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बताना चाहूंगा कि बहुत लोग नए जुड़ रहे हैं, जो लोग नए हैं तो मैं इनसे यही बोलूंगा कि अभी तक 7 लेक्चर इससे पहले बैटल सीरीज के आ चुके हैं। मैं पूरी हिस्ट्री कवर कर रहा हूं, एंशियंट से लेकर मिडिवियल सारे बैटल्स को देखेंगे, साथ ही साथ मैं हिस्ट्री बताता चलूंगा, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर भी जो लोग नए लोग जुड़े हैं उनके लिए एक रिकैप जरूर दूंगा। तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री जानते हैं। फिलहाल ये खिलजियों का एम्पायर है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज बताई थी कि कंसोलिडेटर और एक्सपेंशन, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरेलली चलते हैं। पहले एक इंसान कंसोलिडेट करता है, एकत्र करता है, जो कि बलबन ने किया, और उसके बाद एक दूसरा इंसान एक्सपैंड करता है, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने किया। वो इंसान भी हो सकता है या कोई और भी हो सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी का एक्सपेंशन दिल्ली सल्टनेट या पूरे नॉर्दर्न इंडिया को जीतना, ये यहां पे जाके रुका। आप देख ही सकते हैं पूरा नॉर्थ इंडिया इसके पास है। तो अब हम थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं। इससे पहले हमने मंगोल इन्वेजन की बात की थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हमने देखा था कि सबसे पहले इल्तुतमिश की रेन में ये हुआ था, और उसके बाद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी को ये श्रेय तो जाता है कि उसने मंगोल के इन्वेजन को तो रोक दिया था, क्योंकि बलबन ने इस पूरे एरिया को फोर्टिफाई कर दिया था, बहुत ही मदद मिली थी। ठीक है, तो ये चीज थी। अब हम थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं। देखिए 7th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक चौहानों का राज था। ठीक है, इनको हम कहते थे, दो बेसिकली चौहान आए थे। ठीक है, 700 एडी से लेकर 1200 एडी तक जो चौहान आए थे उनका नाम था शाकंबरी। ठीक है, इन्होंने पूरा राज किया था। उसके बाद हुई बैटल ऑफ टेरेन, एक ऐसी बैटल जिसने पूरी दिशा बदल दी। 1191 और 1192 में ये दो बैटल्स हुई थी। सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था मोहम्मद घोरी ने, और फिर यहां पे मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई थी। ठीक है, 1192 में इस शाकंबरी ये जो थे इनको डिस्टैब्लिश किया गया, चहमान या फिर चौहान जिनको हम बोलते हैं, इनको डिस्टैब्लिश किया गया। और उसके बाद एक नए चौहानों का उदय हुआ जिनको हम कहते हैं चहमांस ऑफ रणस्तंभ। रणस्तंभ और कुछ नहीं है बल्कि ये है रणथंभौर, जिनकी है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। रणथंभौर में किला था, बहुत ही इंपॉर्टेंट किला। चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए भैया कि कौन कौन इस किले में गया है, और इस किले के बारे में बताइए, खूबसूरती जरा बयां कीजिए, हम लोग भी तो आए, सब आएंगे यहाँ पे, बहुत ही सुंदर टूरिस्ट स्पॉट है। वैसे मैं नहीं गया, मैं जाऊं लेकिन जाऊंगा जरूर। ठीक है, तो ये रणस्तंभ की बात है। ठीक है, तो ये चहमान और रणस्तंभ जो थे, है ना, 1192 से लेकर 1301 तक रहे। 1192 में गोविंद राज, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया था तो उन्होंने गोविंद राज को अपॉइंट कर दिया था कि तुम इस पूरे एरिया को देखो, राजस्थान एरिया को, तो वो यहां से कंट्रोल करते थे,
किला था तो और उनके लिए आसानी हुई, किले में एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए किला फोर्टिफिकेशन का मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है फोर्टिफिकेशन। वहीं से ही आप एडमिनिस्ट्रेशन, आप सेना संभालते हैं, आप पॉलिटिकल डिसीजंस लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। किले को जीतना मतलब उस पूरी जागीर, उस पूरी शहर को ही जीत लेना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो यहां पर रणथंभौर का किला था, बहुत बार कोशिशें हुई थी लेकिन यहां पर कोई जीत नहीं पाया था। अब दूसरी साइड पे आते हैं, ये तो हमने बात की थी चौहानों की, अब दूसरी साइड पे आते हैं। दूसरी साइड में है खिलजी। देखिए फिर हम इसी सेकंड बैटल ऑफ टेरेन पे ही आएंगे। क्या था, मोहम्मद ऑफ घोर यानी कि मोहम्मद ऑफ घोरी के पास, मुइजुद्दीन जिसका नाम था, इसके पास बहुत सारे गुलाम थे। ठीक है, उनमें से एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, अपने गुलामों को ये अपना बेटा मानता था। 1206 से भारत में स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी की स्थापना हो जाती है जो कि 1290 तक चलती है। ठीक है, 1210 में ही इल्तुतमिश आता है, स्लेव डायनेस्टी का एक और लीडर, और इसी की ही रेन में मंगोल्स का अटैक होता है। क्यों मैं मंगोलों की बात कर रहा हूं, क्योंकि पूरी की पूरी ये जो बैटल है ना, ये डायरेक्टली मंगोलों से ही रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद 1290 में खिलजी आते हैं, खिलजी डायनेस्टी स्थापना हो जाती है जो 1320 तक चलती है। 1290 में सबसे पहले आता है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कई कोशिशें करता है इस फोर्ट को जीतने की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है, अपने शौर्य से भगा देते हैं। हालांकि वो काफी जो एरिया है उनको जीतने में कामयाब हो जाता है, लेकिन फोर्ट पे हमला नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन 1296 में जब अलाउद्दीन खिलजी सत्ता संभालता है, तो पहली बात तो यहां पर 13 बार अटैक हुआ था, आपको पता है कुल 13 बार मंगोल्स ने अटैक किया था, लेकिन एक बार भी नहीं जीत पाए थे। ठीक है, तो यहां पे मंगोलों का धड़ाधड़ इन्वेजन होता है, हमने पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी, उसमें देख लीजिएगा, मंगोल इन्वेजन की उसमें बात की है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी इन सबको रोकने में कामयाब हो जाता है और यहीं से ही कहानी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, इधर राजस्थान, अच्छा एक चीज और बता दूं, ये जो चहमांस थे ये दिल्ली सल्तनत के ही वैसाल स्टेट थे। आपको बता दूं ये दिल्ली सल्तनत के ही वैसाल स्टेट थे, वैसाल स्टेट मतलब जो साथी स्टेट होता है उन्हीं के ही अंडर थे ये। ठीक है, डायरेक्टली। अब क्या था कि उस समय चहमान डायनेस्टी के जो राजा थे जिनका नाम था राजा हमीर, जिनको हमीर दास भी कहते हैं, भैया हमीर महाकाव्य सबसे मेन सोर्स है इस बैटल के लिए, कमाल के बहुत ही बहादुर राजा थे, गजब के डिप्लोमैट इंसान, पॉलिटिकल लीडर, मिलिट्री जीनियस, इनके बारे में आज हम देखेंगे और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखेंगे। दोनों आपस में भिड़ गए। क्यों भिड़ गए, मंगोल इन्वेजन हुआ था। देखिए अलाउद्दीन खिलजी खुद भी एक काफी एफिशिएंट पॉलिटिकल जनरल, मिलिट्री जनरल था, यह भी आपको बता दूं, और उसको पता था कि सिचुएशन को अपने हिसाब से कैसे मोड़ना है। ठीक है, काफी ये माहिर था लोगों को खरीदने में, और यही एक सबसे बड़ा कारण बनी, गद्दारी बहुत बड़ा कारण बनी कि राजा हमीर ये जंग हार गए। ठीक है, हालांकि उन्होंने हरा दिया था कई बार, अलाउद्दीन खिलजी को हरा दिया था, और विश्वास मानिए अगर उस समय कोई ऐसी गद्दारी या यूनिफिकेशन होता ना, कोई दिल्ली सल्तनत जैसी कोई चीज होती ही नहीं, चौहानों का राज होता। लेकिन वही है ना कि गद्दारों की बहुत ज्यादा यहां पे उपस्थिति थी। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के पास जनरल थे उलुग खान, नुसरत खान और जफर खान भी थे। ठीक है, उलुग खान ऑलरेडी यहां पे बैटल ऑफ जलंधर, बैटल ऑफ किली हो गई थी, तो पकड़ के ले जा रहे थे वो मंगोलों को, गुजरात को कैप्चर करने के बाद वो मंगोल्स उनके पास। देखिए क्या हुआ था कि जब मंगोलों ने खिलजी साम्राज्य पे अटैक किया था, मंगोल्स हार गए थे, तो मंगोलों को बंदी बना लिया था और उनको इस्लाम में कन्वर्ट करके अपनी सेना में रख लिया था। ठीक है, तो क्या था, इनमें बार बार रिबेल्स होते रहते थे, मतलब रेबेलियन होता, क्या कहते हैं कि बार बार इसमें मूवमेंट्स होते रहते थे। ठीक है, वो बार बार क्या कहते हैं कि उठ खड़े होते थे इनके सामने, अलाउद्दीन खिलजी के सामने, कि हमको तो इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही एक म्यूटिनी होगी, एक लड़ाई होगी। ठीक है, जब वापस आ रहे थे गुजरात से, तो एक स्मॉल म्यूटिनी हो जाती है, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस मंगोल्स, मंगोल्स जो ट्रूप था, ठीक है, जो मंगोल सोल्जर इनके पास थे जिनको न्यू मुसलमान भी बोला गया, ये लोग डायरेक्टली इनके खिलाफ युद्ध छेड़ देते हैं। छोटी सी म्यूटिनी होती है, इस म्यूटिनी को पूरी तरह से क्रश कर दिया जाता है, खिलजी फोर्सेस इसको दबा देती है। लेकिन जब ये पूरा जो ये चीज हो रही होती है, ये म्यूटिनी हो रही होती है, तो यहां से दो लोग जो होते हैं वो भाग खड़े होते हैं, बच जाते हैं इस म्यूटिनी से। ठीक है, उसका नाम होता है मोहम्मद शाह और कबरू। ये दो लीडर्स होते हैं, मंगोल लीडर्स होते हैं, रिबेल मंगोल लीडर्स होते हैं, और ये बचने में कामयाब हो जाते हैं। अब ये बच के कहां जाएंगे, कहीं भाई, कहीं ना कहीं तो इनको जाना ही पड़ेगा ना, वरना तो मार दिए जाएंगे। ये सीधे सीधे जाते हैं राजा हमीर के पास,
जो कि रणथंभौर के राजा होते हैं, वो भैया अपना राजधर्म निभा रहे होते हैं, सीधे वहां पे पहुंच जाते हैं कि मालिक हमारी मदद करिए। राजा हमीर बहुत ही काइंड इंसान होते हैं, वो इनको रिफ्यूज दे देते हैं। इधर खिलजियों को पता लगता है, उलुग खान आग बबूला हो जाता है, बोलता है भैया ऐसा है, उस समय ये रणथंभौर के ही पास एक बयाना जिला होता है, वहां का गवर्नर होता है। उलुग खान बोलता है ऐसा है, देखिए बहुत ही हम्बली बोलता है, देखिए उस समय क्या था, व्हाट्सएप तो था नहीं, ठीक है, टेलीफोन तो था नहीं, तो भैया मैसेंजर से ही भेजते थे वो अपने, दूत जाता था, पूरा संदेश पढ़ता था बहुत ही पीसफुली। राजा हमीर से बोलता है कि ऐसा है कि आपने जो इन लोगों को रिफ्यूज दिया है, मंगोल रिबेल्स हैं, इनको हमको सौंप दीजिए या फिर इनको मार दीजिए, ठीक है, और एक आप फ्रेंडली रूलर हैं, आप हमारे वैसाल स्टेट हैं, इसका प्रमाण दीजिए। राजा हमीर बहुत पावरफुल होते हैं। राजा हमीर की अगर बारे में बात करूं तो 1238 से लेकर 1301 तक इनका भी रेन होता है। काफी निडर राजा होते हैं और इन काफी फ्रेंडली रिलेशन होते हैं, इस बीच इन्होंने अच्छी खासी सेना बना ली होती है, बहुत पीछे पावर होती है इनके। राजा हमीर बोलते हैं गेट लॉस्ट, भाड़ में जाओ। वैसे वो ये बहुत ही फ्रेंडली स्टेट में बोलते हैं, वो बोलते हैं कि हम कुछ नहीं करने वाले, पूरी तरह से इसको नकार देते हैं, ये हमारे मेहमान है भाई, ये हमारे रिफ्यूज लेने आए हैं, और राजधर्म ये कहता है कि अगर कोई मुसीबत में आया है तो मैं उसकी मदद करूं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं करूंगा। उलुग खान बोलते हैं कि ठीक है, फिर भैया वॉर के लिए, युद्ध के लिए तैयार रहो, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होगी। राजा हमीर बोलते हैं हो जाए वो, दो दो हाथ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, देखते हैं किसमें कितना है दम, कोई डर नहीं, बिल्कुल आंख में आंख मिला के बोलते हैं। उलुग खान बोलता है चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये वॉर इतना आसान नहीं था, ठीक है। जब राजा हमीर ने ये बोला, अलाउद्दीन खिलजी भी आग बबूला हो गया, अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कोई बात नहीं, इसको मजा चखाते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी पूरी आर्मी के साथ गया। उलुग खान गवर्नर था, अपनी पूरी आर्मी लेके गया। अब यहां पे दो लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एक है भीमसेमा जो कि जनरल था, ठीक है, दूसरा है धर्मसेमा जो कि मिनिस्टर था। धर्मसेमा के कहने पे भीमसेमा, देखिए दो आर्मी थी यहां पे, अभी मैं आ रहा हूं उस पे, भीमसेमा और धर्मसेमा पे, खिलजी और राजा हमीर। हमीर की, राजा हमीर की जो आर्मी थी वो बहुत बड़ी थी, खिलजियों की आर्मी भी बहुत बड़ी थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे थे कि इनकी आर्मी बड़ी नहीं है बहुत ज्यादा, ये दोनों एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, नीचा आंक रहे थे। इसका जो खामियाजा था वो सीधा सीधा राजा हमीर को भुगतना पड़ा। भीमसेमा ने सोचा कि इतनी बड़ी आर्मी नहीं है दिल्ली सल्तनत की, लेकिन दिल्ली उलुग खान की आर्मी काफी बड़ी थी। अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेबल था, लेकिन धर्मसेमा ने बोला कि डायरेक्ट जाओ और इनको सीधा सीधा वॉर करो। धर्मसेमा की अगर बात करें तो राजा हमीर से बहुत ज्यादा चिढ़ता था, इनका तख्ता पलट जाता था, ठीक है। तो भीमसेमा से सीधा सीधा बोला कि डायरेक्ट तुम वॉर करो। अब भीमसेमा ने डायरेक्ट वॉर किया, बहुत ज्यादा आर्मी स्ट्रांग थी, काफी देर तक लड़ाई हुई, कोई रिजल्ट नहीं। इधर खिलजियों ने ठीक वैसे ही चाल चली जैसे कि सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन में मोहम्मद अफ घोरी ने चली थी। इन्होंने क्या किया कि इनको ऐसा दिखाओ कि हम हार रहे हैं, इन्होंने रिट्रीट करना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया, ठीक है। सब कुछ होता है, एवरी सब कुछ जायज है युद्ध में, ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ठीक है, एंड एवरीथिंग इज जस्टिफाइड इन द वॉर। तो क्या था कि इन्होंने भागना शुरू कर दिया, ठीक है, जो खिलजियों ने। यहां पर भीमसेमा ने सोचा, भीमसेमा जनरल था राजा हमीर का, यहां पर भीमसेमा ने सोचा कि ये लोग तो हार रहे हैं, हार गए, जोश में आ गए, बोले अब ये कुछ नहीं जीत सकते। लेकिन जैसे ही वापस आ रहे थे भीमसेमा और उनकी पूरी की पूरी आर्मी, एक सरप्राइज अटैक होता है उलुग खान द्वारा और यहां पे भीमसेमा की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, डेथ हो जाती है। राजा हमीर को जब पता चलता है, मूड खराब हो जाता है, बहुत गुस्सा आती है। धर्मसेमा को बोलते हैं कि इसको तो सबसे पहले अंधा करो और इसको नामर्द बना दो, कास्ट्रेट कर दो। धर्मसेमा से बहुत ज्यादा खफा होते हैं। अंधा इसलिए बोलते हैं क्योंकि तुमको इतना नहीं पता था, तुम इतने अंधे हो गए हो कि सामने से तुमको पता है कि वॉर नहीं करना है, लेकिन उसके बाद भी तुमने डायरेक्ट भिड़ा दिया, तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। इसलिए इनको सीधा सीधा अंधा करवा दिया गया और बोला नामर्द बना दो, लेकिन बाद में इनको आर्मी में वापस ले लिया। अब यहां पर राजा हमीर जो है वो थोड़े से ईगो में आ जाते हैं, ठीक है। धर्मसेमा भी एक बहुत बड़ा डिप्लोमैट था, ठीक है, और इसको भी पता था ठीक खिलजी की तरह कि कैसे सिचुएशन को अपने बस में किया जाए। हमीर का जो भाई था राजा भोज, वो इनका रॉयल काउंसलर था। इधर खिलजी ऑलरेडी बहुत गुस्से में थे और अटैक की पूरी तैयारी की हुई थी। यहां पे मंगोल लीडर्स भी इनके पास है। आपको ये भी बता दूं, मंगोल्स ने काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है राजा हमीर की फौज में, वो भी पूरा फुल फ्लेज्ड तरीके से लड़े, ठीक है। तो यहां पे राजा भोज जो है वो राजा हमीर के साथ है, ठीक है।
लेकिन राजा हमीर ने राजा भोज को बहुत बड़ी पोजीशन देने से इनकार कर दिया पूरी तरह से, और इसमें डेफिनेटली राजा धर्म सीमा का ही हाथ था। अब जब राजा भोज को या भोज को इनके जो भाई थे, इतनी बड़ी, राजा भोज तो नहीं थे ये, इतनी बड़ी, मेरे मुंह से निकल गया, इतनी बड़ी पोजीशन से जब इनको देना इनकार कर दिया तो इनको बहुत ज्यादा इंसल्ट लगी और इन्होंने बोला कि मैं ये पूरा किंगडम छोड़ के चला जाऊंगा। अब यहां से शुरू होती है गद्दारों की शुरुआत, ठीक है, एक अलग ही कहानी स्टार्ट होती है। यहां से आप देखेंगे कि राजा हमीर की आर्मी से बहुत लोग जाके अलाउद्दीन खिलजी के पास जाएंगे, उनकी आर्मी से मिल जाएंगे। सबसे पहले थे इनके ही भाई भोज। ये जब इनको कोई बहुत बड़ा पद नहीं मिला, ठीक है, तो ये निकल जाते हैं और इनके भाई, अपने भाई के साथ निकल जाते हैं पिता सीमा के पास, और सीधे ये अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी बोलते हैं कि ठीक है, तुम हमारे साथ आओ, तुमको हम एक जागीर दे देंगे। जागीर मतलब लैंड ग्रांट्स, उस समय बहुत लैंड ग्रांट्स होते थे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक मेन कारण था कि गुप्ता साम्राज्य का फॉल हुआ था, ठीक है, तो लैंड ग्रांट्स होते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला कि हम तुमको बहुत बड़ी जमीन दे देंगे, हमारे साथ मिल जाओ और सारे राज उगल दो। यही हुआ, राजा भोज ने सारे राज उगल दिए और ज्यादा गुस्साई ये सोच के राजा हमीर को कि ऐसा हुआ है। कोई बात नहीं, दिल्ली आर्मी रणथंभौर के लिए निकल चुकी थी, इधर से राजा हमीर की आदमी दिल्ली के लिए निकल चुकी थी और यहां पे मंगोल्स भी इनके साथ थे। इतनी बुरी तरह से अटैक करते हैं, संभलने का मौका ही नहीं देते हैं, पूरी की पूरी एक आर्मी इन्फेंट्री को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, और ये हिंदुत्व की विक्ट्री होती है बहुत बड़ी। दिल्ली आर्मी के इक्विपमेंट्स को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया जाता है, आसपास के गांव को भी कैप्चर कर लिया जाता है, और आप विश्वास मानिए वो तो आगे नहीं बढ़े, हो सकता था कि ये दिल्ली सल्तनत को भी हिला के रख देते, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो ये नामा है, ये पूरी स्टोरी हमीर महाकाव्य में स्टेटेड है, ठीक है। तो काफी लोगों को इन्होंने कैप्चर किया, काफी विक्ट्री हासिल की, और ये इनिशियल विक्ट्री थी चामान फोर्सेस की। उनको लगा कि बहुत अच्छा हुआ है, अब हम जीत जाएंगे। इसमें एक और जनरल उनका नुसरत खान की भी हत्या, मतलब मार दिया था, जो खिलजी का एक गवर्नर था, ठीक है, हम जीत जाएंगे। मंगोलों ने भरपूर साथ दिया, देखिए मंगोल तो वैसे ही दुश्मन थे खिलजियों के, तो भरपूर साथ दिया। अब क्या बोला अलाउद्दीन खिलजी ने, सोचा कि यार ऐसा है, ये तो हार गए हम, तो इसका मतलब इनिशियल विक्ट्री बता रहा हूं, इसका मतलब अब पूरा का पूरा जो दारोमदार है मुझे अपने सर पे लेना पड़ेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा दारोमदार अपने सर पे लिया और वो फिर रणथंभौर के लिए निकल गए। और जिस तरह से आपने पद्मावती में देखा होगा कि बाहर वो पूरा एक फोर्टिफिकेशन, मतलब कैंप्स लगा लेते हैं, किले के बाहर पूरे कैंप्स लगा लिए, आर्मी वहीं लेके बैठे हुए हैं, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। अलाउद्दीन खिलजी वहीं, रणथंभौर किला बहुत बड़ा किला था, बीच में गड्ढा था ताकि कोई दुश्मन उसको पार ना कर सके, किले के बाहर लगा के अपना पूरा तामझाम लेके बैठ गया, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने मैसेंजर को भेजा और बोला कि हमको वॉर को अवॉइड करना है, हम आपके सामने दो शर्त रखते हैं, सबसे पहले जितने भी मंगोल्स हैं उनको आप हमको सौंप दे, और हमको आप 4000 गोल्ड की मोहर दे दे, सोने की कॉइन्स दे दें, सोने के सिक्के दे दें, हम आपको छोड़ देंगे। राजा अमीर ने बोला जाओ घर जाओ, सपने मत देखो, बकवास मत करो, 4000 सोने के सिक्के नहीं, 4000 तुमको तलवारें मिलेंगी और उससे 4 करोड़ घाव होंगे तुम्हारे, समझ लेना। अलाउद्दीन खिलजी भी आंख बबूला हो गए। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अगर तुम्हारी यही चाहत है तो हम लड़ाई लड़ेंगे। अब उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो हैं फोर्ट के बाहर इंतजार करते हैं कि किस तरह से वो अटैक करें। बहुत बड़ा गड्ढा होता है, उसको भरने का काम होता है, एक इंक्लाइंड माउंट बनवाते हैं वहां पे ताकि वो किले को पार कर सके, एक टनल भी बिछा रहे होते हैं ताकि सीधा अंदर से ही किले के अंदर जा सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि वहां से भी तो अटैक होंगे। लेकिन आपको एक चीज बता दूं कि यहां पे एक प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए क्या है कि ये राजा हमीर को भी कहीं ना कहीं अंदाजा होता है कि अगर युद्ध हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी और ये फोर्ट वो देंगे नहीं। अलाउद्दीन खिलजी फिर यहां पे अपनी एक चाल चलता है और अपने एक और मैसेंजर को भेजता है कि पीस ट्रीटी किसी की तरह साइन हो सके। हमीर अपने जनरल रतिपाल या रतनपाल को भेजते हैं। रतनपाल अलाउद्दीन के पास जाते हैं, अलाउद्दीन की ऐसी आवभगत करता है कि इनको जीत लेता है। डेफिनेटली वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है अलाउद्दीन खिलजी की, इनको जीत लेता है और बोलता है कि तुम हमारे पास आ जाओ, तुमको गवर्नर बना देंगे। रतिपाल रतनपाल बहुत ज्यादा खुश कि गवर्नर हो जाएंगे, अलाउद्दीन खिलजी के साइड आ गए, एक और गद्दार मिल गया राजा हमीर को। वापस राजा हमीर के पास जाते हैं, उनको कुछ नहीं बताते हैं। वहां पे भी रतनपाल, उसके बाद आर्मी, राजा हमीर की आर्मी में भी बहुत लोगों को कन्विंस करने में ये कामयाब हो जाते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के पास चलो,
वो काफी कुछ हमको दे सकता है। तो राजा हमीर अब देख सकते हैं ना कि इंटरनली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है यहां पे राजा हमीर को, ठीक है। अब क्या है, अगले हिस्से पे आते हैं कहानी का। जब राजा हमीर को ये पता लग जाता है कि अब डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होनी ही होनी है, वॉर को कोई टाल नहीं सकता है, तो वो बोलते हैं कोई बात नहीं, लास्ट स्टैंड की अब हम सीधे सीधे इस पे कूदेंगे। जब राजा हमीर को ये पूरा पता चल जाता है, जुलाई की बात है ये, देखिए जब ये चीज हुई थी तो ये बरसात का सीजन था, बरसात का सीजन था, अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट के बाहर बैठे हुए हैं, सप्लाई बंद है, पीने के पानी तक की वहां पे इतनी ज्यादा कमी हो गई थी फोर्ट में कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, खाना वहां पे आ नहीं रहा था फोर्ट में, क्योंकि डेफिनेटली देखिए अक्सर होता क्या था, वॉर में बहुत सारा पैसा लगता था, ठीक है। राजा पैसा कहां से कमाते थे, या तो इन्वेड कर दे कोई टेरिटरी को, उसकी सारी वेल्थ लूट ले, यहां पे वो चीज बिल्कुल नहीं हो सकती थी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वॉर कंडीशंस थी, ठीक है, तो ये अवॉइड थी। पैसे खत्म होते जा रहे थे, आपको पता है पैसे तो चलिए खत्म ही हो गए, भंडार भी खत्म होते जा रहे थे, अलाउद्दीन खिलजी ने सप्लाई ऊपर से रोक रखी थी, तो करें क्या, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। तो फिर उनको यही पता यही उनको सूझा कि और कोई चारा नहीं है, मुझे बाहर निकल के अलाउद्दीन खिलजी से सीधे लड़ना होगा, और कोई चारा नहीं है। राजा हमीर के पास भी बहुत भारी भरकम सेना थी, इनके पास मंगोल लीडर्स भी थे, काफी लोग थे इनके पास, ठीक है, और इतना आसान नहीं था इनको हराना, ठीक है। राजा हमीर ने जब ये उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने सबको ये बोला कि देखो मैं तो लड़ने जा रहा हूं, हो सकता है मैं जिंदा ना बचूं, मैं तुमको मौका दे रहा हूं। जितने भी उनके सोल्जर्स थे या जो भी थे, उनके भाई को भी बोला कि मैं तुमको ये मौका दे रहा हूं कि तुम यहां से सेफ पैसेज लेके निकल जाओ। सबने मना कर दिया, आपको पता है, इवन मंगोल लीडर्स ने भी, मंगोल लीडर्स ने इनका भरपूर साथ दिया, मंगोल लीडर्स ने भी ये सीधा सीधा मना कर दिया, और आखिरी तक वो लड़ते रहे कि हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम आपके लिए लड़ेंगे। ऐसा कुछ प्रभुत्व था राजा हमीर का और चौहानों का, ठीक है। तो राजा हमीर बहुत खुश हुए, ठीक है, और सारी की सारी औरतों ने यह सोचा कि हम जौहर परफॉर्म करेंगे, जो कि सुसाइड होता है एक तरह का, अपने आप को आग लगा के, मास ये सेल्फ इमोलेशन होता है, अपने आप को आग लगाई जाती है, और बहुत सारी औरतें एक साथ परफॉर्म करती हैं, ठीक है। हमीर ने अपने ब्रदर विराम को भी बोला, उन्होंने भी बोल दिया कि नहीं, मैं आपके साथ लड़ूंगा, और आप बाहर जा रहे हैं, साथ साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन इनको कोई ना कोई सक्सेसर तो बनाना ही था, ठीक है, उत्तराधिकारी, तो इन्होंने अपने मिनिस्टर जाजा को बनाया, यह भी आखिरी वक्त तक लड़ा। उसके बाद फिर बाहर आते हैं, बहादुरी से मुकाबला करते हैं, शौर के इनके क्या कहने, ऐसा लगता है, देखिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व बाघों की रिजर्व इसीलिए है क्योंकि यहां पे खुद एक बाघ लड़ रहा था, ठीक है। राजा हमीर बहुत ही शौर से मुकाबला करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी जो है इस फोर्ट को सीज करने में सफल हो जाता है, ठीक है। जाजा जो है उसके बाद ये इसका सक्सेसर होता है, ठीक है, और इसके बाद बावजूद भी, जब इनकी डेथ होती है उसके बावजूद भी जाजा जो है वो पूरा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की सेना बहुत बड़ी होती है, गद्दार इतने ज्यादा हो जाते हैं कि अनफॉर्चुनेटली इस फोर्ट को सीज कर लिया जाता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जब आता है, मंगोल मोहम्मद शाह ये जो लीडर होता है इससे बोलता है कि सरेंडर कर दो, माफी मांग लो, और तुमको हम माफ कर देंगे, बच जाओगे। मोहम्मद शाह बोलता है गो टू हेल, हम नहीं करेंगे। उसी वक्त मोहम्मद शाह को मार दिया जाता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था, ये आपको ये भी बता दूं, राजा हमीर से, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था, जितने भी लोग इस युद्ध में इन्वॉल्व थे उन सबसे बहुत इंप्रेस था वो, ठीक है। उसको भी पता चल गया कि किस चीज से पाला पड़ा है। उसके बाद फिर क्या मोहम्मद शाह का यहाँ पे हुआ, जाजा भी, और फिर उसके बाद जो रति पाल और रना मल्ला, ये जो लीडर्स थे, जो जनरल्स थे, जिन्होंने विद्रोह किया था, विद्रोह कहने का मतलब है कि जिन्होंने गद्दारी की थी राजा हमीर से, इनको भी अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया था। बोला था ना कि गवर्नर बना देंगे, गवर्नर इनकी लाश पे ही बनाए, ये लोग जब मरे तभी शायद गवर्नर बने होंगे। अलाउद्दीन खिलजी का ये मानना था कि जो लोग अपने राजा के सगे नहीं हुए, वो मेरे क्या सगे होंगे। जिंदा जला दिया था रतिपाल को, ठीक है। तो ये चीज थी, और रणामल्ला को, जो कि एक और इंसान थे जिनको रतिपाल ने ये कन्विंस कर दिया था कि अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी में चलते हैं, उसको भी जान से मार दिया था, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जो चहमान डायनेस्टी है 1301 में पूरी तरह डीस्टैब्लिश हो गई, और ये रना स्तंभ, जिसको रणथंभौर कहते हैं, चहमांस ऑफ रना स्तंभ, इनकी गौरव गाथा अतुलनीय है, कमाल की है,
ये फिर यहां से डिस्टैब्लिश हो गया और उसके बाद फिर अलग ही कहानी का प्रारंभ हो गया, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये मेरे लेक्चर का एंड था, आशा करता हूं पसंद आया होगा। अगला लेक्चर मैं बहुत ही जल्द लेके हाजिर होऊंगा और फिर हम एक और बैटल की बात करेंगे, सीज ऑफ चित्तौड़गढ़ फोर्ट की, उसकी भी बात करेंगे और भी काफी बैटल्स की बात करेंगे, टाइमलाइन के हिसाब से चल रहा हूं, ठीक है। क्विक रिमाइंडर, हमारे पेन ड्राइव कोर्स हर एग्जाम्स के लिए अवेलेबल, इन नंबर्स पे कॉल करिए या फिर वेबसाइट विजिट करिए। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।